हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआरआई इंटरनेशनल स्कूल बावल। माई सेल्फ सुमित टक्कर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिफ्थ लेक्चर लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्थ लेक्चर, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था हम डिस्कस कर लें। उसमें हमने डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पढ़ा। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपन फोर्स इन मीडियम, मतलब दो चार्ज पार्टिकल को आप वैक्यूम में रखो और दो ही चार्ज पार्टिकल को आप मीडियम में रखो, दोनों के फोर्स के जो रेशो होगा उसको हम क्या बोलते थे, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको हम रिलेटिव परमिबिलिटी भी बोल देते थे। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती थी, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अपन परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कि आपने दो फॉर्मुले पढ़े थे, एफ नोट अपॉन एफ एम, और ई आर की वैल्यू पढ़ी थी आपने, ई एम अपॉन ई नोट की हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस की थी। वेक्टर फॉर्म के अंदर हमको पता लगा था कि दो दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स दूसरे चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले पर वही उतना फोर्स लगा रहा है, पर दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट। इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ, या फिर बोल सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं उसको, हम डिस्कस कर चुके थे। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने के बाद हमने कूलम्स लॉ की जो लिमिटेशन थी वो डिस्कस की थी। आपको तीन लिमिटेशन याद होगी। नंबर वन कि बेटा कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है। नंबर टू, कूलम्स लॉ की एक रेंज होती है 10^-15 से 10^-18, हम डिस्कस कर चुके थे। और थर्ड वन, कूलम्स लॉ जो है हमारे पास उसकी कूलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। कूलम्स लॉ की जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो यही लिमिटेशन थी कि कूलम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, मतलब आपके पास चार्ज पार्टिकल किस पर होना चाहिए रेस्ट पर। आज के लेक्चर में क्या मिलेगा आपको, आज के लेक्चर में आपको कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एचबीएससी में भी आए हुए और अदर स्टेट बोर्ड में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ई, फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस, एक इलेक्ट्रॉन है ई। इलेक्ट्रॉन वो जो है वो किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। इलेक्ट्रॉन किस पर है, रेस्ट पर, और रेस्ट पर है तो उस पर चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10^-19 कूलम बढ़ा हुआ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है मोशन, इट इज मूविंग। ओके, और अगर ये मूव कर रहा है तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड की हाफ है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10^8। 3 × 10^8 हमारी लाइट की स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। मतलब सपोज क्वेश्चन क्या है हमारा कि इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट चार्ज, जिसका रेस्ट चार्ज क्यू, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, लाइट की वेलोसिटी के हाफ मूव कर रहा है। अब उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू डैश। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू डैश। देखो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योडेश की वैल्यू क्या होगी, क्योडेश की वैल्यू होगी 1.6 × 10^-19 कूलम। मतलब यूं बोल सकते हैं कि चार्ज जो है उसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती बेटा, डिपेंड नहीं करती किस पर, मोशन पर। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पर हो तो भी उस पर चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10^-19। इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में हो तो भी उस पर चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10^-19। इसका इसको फिजिक्स की तरह में क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज इज नॉन रिलेटिव स्टिक, चार्ज इज अ नॉन रिलेटिव स्टिक क्वांटिटी। ठीक है, देखो अगर चार्ज को हम कंपेयर करें मास से, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है कुछ किलोग्राम है, कुछ ग्राम है, कुछ भी है, और वो अभी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड के नियरली इक्वल मूव कर रहा है या लाइट की स्पीड से कम मूव कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली आप लाइट की वेलोसिटी के नियर बाई बोल सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, चेंज होगा। तो मास जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो है रिलेटिव स्टिक्स क्वांटिटी। और चार्ज कैसी क्वांटिटी बेटा, इट्स अ नॉन रिलेटिव स्टिक्स क्वांटिटी। अगर किसी भी वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा हो तो उसकी उस पर चार्ज की वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। अगर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती इसका मतलब मास की वैल्यू चेंज होती है। अब मास की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ले सपोज हमारे पास कोई बॉल है, ओके, इस बॉल का मास कितना है, ले सपोज 1 किलोग्राम इसका मास, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
कितनी वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी की हाफ, इससे मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 किलोग्राम, वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। ठीक है, 1 किलोग्राम इसका मास है, इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मास, टाइम, लेंथ, ये सब क्या होते हैं बेटा, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज। अब मास की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या है वो देखो, m इज इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। देखो m नॉट क्या चीज है, यहां पर m नॉट है मास ऑफ द पार्टिकल एट मोशन। m नॉट क्या बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल एट मोशन, सॉरी m, m नॉट क्या है, ये है इसका रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना था, सॉरी इस बॉल का रेस्ट मास कितना है, 1 किलोग्राम। तो एम नोट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 1 किलोग्राम। एम नोट हमारे पास क्या आ गया, रेस्ट मास किसका, ऑब्जेक्ट का। वी है उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और सी क्या है उसकी, सी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमारे पास वी की वैल्यू कितनी है, सी बाई टू, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ वैल्यू और कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो क्या आएगा, एम इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। V कितना है, C बाई टू, वी अगर करेंगे कितना जाएगा, सी स्केयर बाई 4 इंटू में सी स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा। उसको फर्दर सोल्व करेंगे, m नोट की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4। ओके, एलसीएम ले लो यहाँ पर, 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 1 अपॉन 4। तो कंटिन्यू इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन ऊपर बच जाएगा अंडर रूट 3, नीचे कितना है अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी है 2, तो यह रहेगा 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको सोल्व करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप बोल सकते हैं कि जब कोई मास, कोई मासिव ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो उसकी अगर उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के नियरली इक्वल है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये थ्योरी है किसकी, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी। इसको बोलते हैं क्या हम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी के नियरली मूव कर रहा है, या लाइट की वेलोसिटी के आसपास जिसकी वेलोसिटी है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा बेटा, चेंज जाएगा, और बेसिकली उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पर चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज जितना भी है वो मूव कर रहा है, चाहे रेस्ट पर है, चाहे मूव कर रहा है, चाहे लाइट की वेलोसिटी के बराबर भी मूव कर रहा है, उसका उसका पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। चार्ज की वैल्यू क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। सेकंड न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, सेकंड देखो। सेकंड न्यूमेरिकल डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर है, इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है आपके पास बेटा, मान लो आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज कितना है, Q2, और इसके बीच की डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ओके, और इस पर फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज एफ। ओके, एफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स कैलकुलेट करने का। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू, अभी ये चार्ज किस पे रखा हुआ, अभी ये चार्ज रखा हुआ बेटा वैक्यूम में, वैक्यूम में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है F not equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। तो फोर्स इन वैक्यूम कितना रहेगा बेटा, 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square। इसको हम K भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास K into Q1 Q2 upon R square। ये हमें पता, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये दो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, इस पर फोर्स केवल लग रही है एफ। अब हम चार्ज पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने प्लेस कर दिया किसके अंदर बेटा, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने प्लेस कर दिया मीडियम के अंदर, इसके सराउंडिंग में जो मीडियम अभी वैक्यूम था, अब इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग हमने क्या लगा दिया, मीडियम। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, मीडियम लगाने पर इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ने इसके चारों तरफ प्लेस कर दिया, जिस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का जिस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू दे रखी है 5, k की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तब पूछ रहा है कि अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी करूं,
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी करूँ, इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, कि फोर्स जो है वो हमेशा पहले जितना था उतना ही रहेगा। क्वेश्चन दोबारा सुनो, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है क्यू वन क्यू टू, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है बेटा एफ। अब इस दोनों चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम की जगह पर अब मैंने इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दिया। मीडियम हमारा कैसा है, डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कॉन्स्टेंट कितना है 5 K/5 के लिए रखिए। अब पूछ रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस को क्या करूं, इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं या कितनी वैल्यूज करूं कि इनके बीच फोर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी कितना रहे एफ। सुनते को बड़ा इजी है, आपको बताया था मैंने कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप किसी दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम से मीडियम में लेके जाते हो, तो वैक्यूम से मीडियम में लेके जाओगे ना बेटा, तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये मैं आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक मीडियम के केस, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वाटर में कि दो चार्ज पार्टिकल अगर आप वाटर में लेके जाओगे तो उनका फोर्स 80 टाइम्स इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद हो गया K फॉर वाटर इज इक्वल्स टू 80, उसकी वैल्यू 80 टाइम डिक्रीज जाती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 5, मतलब जो इस मीडियम में लेकर आओगे ना इसको दूसरे मीडियम में लेके जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 5 टाइम्स कम हो जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई है। ओके, आपको फोर्स की वैल्यू वापस कितनी करनी है एफ करनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है घटाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा डाइलेक्ट्रिक डालने से। दोबारा ध्यान सुना, डाइलेक्ट्रिक डालने से फोर्स की वैल्यू हो गई है कम और अब है फोर्स को इंक्रीज करना है, तो फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हम इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर देंगे डिक्रीज। जैसे ही डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे फोर्स वापस क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब कितने डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिंपल है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है बेटा 5। सपोज करो पहले कितना फोर्स है, फोर्स है हमारे पास वैक्यूम में, इसको बोल रहे हैं एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 1/4 πε0, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कितना के 1/4 πε0 की वैल्यू क्या होगी बेटा के। चार्ज की वैल्यू कितनी है Q1 Q2 1 वर्ड, आर की वैल्यू कितनी देर किसने 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यूज कर लेंगे। ये हमारे पास फोर्स वैक्यूम में था, अब हमने इसको किस में डाल दिया बेटा मीडियम में, इसको बोल दिया हमने FM। FM हमारे पास क्या है, फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम की वैल्यू कितनी होगी सेम K × Q1 Q2 / r². देखो यहां पर K की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 1/4 πε0। यहां पर K की वैल्यू क्या यूज करेंगे 1/4 πε0, यह रहेगा हमारे पास 1/4 πε0। ε0 किस कौन से मीडियम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, यहां पर आ जाएगा 1/4 πε0, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, अब इस आर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज या डिक्रीज, इस आर की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। मान लो ये आर की वैल्यू मान लीजिए R1, चेंज कर दी, इस आर की वैल्यू को हमने कम कर दिया R1 कर दिया, अब R1 की वैल्यू निकालनी है हमको बेसिकली, ठीक है। तो देखो जब इसको R1 कर दिया डिक्रीज कर दिया तो फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन वैक्यूम दोनों क्या होगा इक्वल, तो दोनों इक्वल पुट कर दो, हम बोल सकते हैं एफ नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई FM। एफ नोट कितना है हमारे पास 1/4 πε0 Q1 Q2 / r² इज इक्वल्स टू 1/4 πε0 Q1 Q2 / r² इस r की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 20 सेंटीमीटर, इस r1 की वैल्यू निकालनी है, अभी कितनी वैल्यू मैंने कम करी कि फोर्स वापस से सेम हो जाए, 1/4 πε 1/4 πε कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 1/r², यहाँ बच गया 1/ कितना बेटा r² इज इक्वल्स टू, कंप्लीट सब कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पर 1/ε₀ बचा, ओके, और यहाँ पर क्या बचा 1/εm × 1/r² r1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपको पता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट उसका वो किसका रेशियो होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पर है 1/r² की वैल्यू पता है r1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से बेसिकली आपको किसके लिए निकालनी है r1। हम क्या करेंगे देखो इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे, r1 का स्केयर ऊपर ले जाते हैं, r1 स्केयर ऊपर चला गया, बाकी इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं,
ये हो जाएगा एप्साइलन नॉट डिवाइड बाय एप्साइलन एन, इनटू में कितना आ गया आर स्क्वायर। एप्साइलन नॉट डिवाइड बाय एप्साइलन, हमारे को पता है एप्साइलन एम डिवाइड बाय एप्साइलन नॉट जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 5, कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 5। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई एम बटे ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, ई नॉट अपॉन ई एम की वैल्यू कितनी है 1/5, ई एम अपॉन ई नॉट की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ वैल्यू पुट करो देखो कितना आएगा, यहाँ पर जल्दी इसको ये हो गया हमारे पास बेटा कितना आर वन का स्केयर इज इक्वल टू ई नॉट बटे ई एम, इसकी वैल्यू हो गई 1/5 और ये हो गया हमारे पास आर स्केयर अपॉन 5। आर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्केयर करो कितना आ जाएगा 20 का स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास 400 डिवाइड बाय कितना है 5, डिवाइड कर दो इसको 5 × 40, 80 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर आर वन का स्केयर आया है, आर वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √80 और √80 की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, √80 की वैल्यू आप फॉलो करोगे तो कितनी आएगी आपके पास बेटा 8.944 सेंटीमीटर। मतलब ये तो मुझे पता है कि डिस्टेंस को डिग्रीज करूंगा तो इसके बाद इसका फोर्स डिग्रीज होगा, फोर्स वापस से किसकी इक्वल हो जाएगा एफ की इक्वल हो जाएगा, और कितनी डिग्रीज करनी पड़ेगी डिस्टेंस, अब हमारे को आर वन की जो वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी बेटा 8.944। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्सेस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डालने से क्या हो जाती है इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज है ना, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ही बताती है कि कितने टाइम्स डिग्रीज होगी। जैसे मैं आपको फिर एक बार का एग्जांपल बता रहा हूँ, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अभी हमने डाला था 5, तो फोर्स की वैल्यू कितने टाइम्स डिग्रीज होगी, होगी 5 टाइम्स, क्या होगी होगी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में देखो क्या है, मान लो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस क्वेश्चन में फोर्स कूलम्स लॉ को डिस्कस करने के साथ साथ यहां पर हम वेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है 11th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा, वहां डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, जिसके वर्टिसेस पर इनके कॉर्नर्स पर तीन चार्ज रखे हैं, तीनों चार्ज की वैल्यू सेम है क्यू क्यू एंड क्यू। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल सारे कितने डिग्री होंगे 60 डिग्री, हर साइड क्या होगी इक्वल, साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है मान लो ए ए ए, तीनों की साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है सेम। ठीक है, ट्रायंगल कैसी है इक्विलेटरल, इनमें से किसी भी एक चार्ज पर, इस पर इस पर इस पर किसी भी एक पर नेट फोर्स निकालना है, क्या निकालना बेटा नेट फोर्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्ज रखा है क्यों क्यों क्यों, कोई भी चार्ज की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उस ट्रायंगल की पैरामीटर्स दे रखे हैं हमारे, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन हो, तो आपको किसी भी वर्टिसेस पर कोई भी एक चार्ज रखा है, मान लो सपोज करो इसके ऊपर ही, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। देखो होगा क्या, पहले बेटा इसके ऊपर देखो दो चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, एक तो इसके ऊपर की वजह से लग रहा है और एक इसके ऊपर की वजह से, मान लेते हैं तीनों के तीनों चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्यों इस क्यों को पे लगाएगा फोर्स, दोनों चार्ज कैसे हैं सेम, ये इस पे लगाएगा रिपल्शन। ओके, इस क्यों ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस फोर्स की वैल्यू लिख दी कितनी बेटा F1। सेम ये चार्ज भी इस चार्ज पर क्या लगाएगा फोर्स, वो भी कौन सा लगाएगा रिपल्शन का, तो इसने इस पर फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस फोर्स को मैंने बोल दिया कितना बेटा मुझे कैपिटल क्यू है, क्यू टू की वैल्यू भी कैपिटल क्यू, तो क्या लिख देंगे डायरेक्ट बेटा क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बीच की ए स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालेंगे हम F2 की, F2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, के दोनों की चार्ज की वैल्यू क्या है सेम,
क्या उसके डिस्टेंस कितना बड़ा, ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, के क्या उसके बाई स्क्वायर, के क्या उसके बाई स्क्वायर, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट वाला जो फोर्स हमारे पास एफ वन और एफ टू, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, उसको बोल देते हैं लेट से एफ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, के क्या होगा, के क्या उसके बाई स्क्वायर, और दोनों के बीच मतलब ये एंगल कितना 60 है, ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब दो फोर्सेज है हमारे पास एफ वन और एफ टू, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 60। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ट्राइंगल लॉ फैक्टर एडिशन के अंदर, उस फॉर्मूले में रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू इंटू में कॉस ऑफ थीटा, आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ वन की वैल्यू पता है हमको, एफ टू की वैल्यू पता है, एफ वन और एफ टू दोनों की वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो यहाँ पर एफ वन और एफ टू की जगह क्या पुट कर देंगे हम, एफ, एंगल कितना डिग्री है वहां पर, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमको, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बोलो बेटा, अंडर रूट एफ का स्क्वायर, ये एफ वन और एफ टू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कितना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ और एफ कितना हो जाएगा बेटा, टू एफ स्क्वायर, क्लियर है, और एंगल कितना डिग्री है, कोस ऑफ 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2, इस 1/2 से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, एफ स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, अंडर रूट 3f स्क्वायर, f स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, f इनटू अंडर रूट 3, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल यहाँ पर, इसके बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ फोर्स f, फोर्स f की वैल्यू हमें पता ही है, ये निकाली हमने, तो जो नेट फोर्स है इस चार्ज पर प्लस के चार्ज पर, जो नेट फोर्स लगेगा ना बेटा, वो कितना होगा, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ फोर्स एफ, और फोर्स एफ की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 टाइम्स, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या बोलेंगे, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स निकल गया यहाँ पर, सेम इस पर नेट फोर्स निकाला, तो इस प्लस की वजह से यहाँ पर फोर्स निकालो, इस प्लस वाले की वजह से यहाँ फोर्स निकालो, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, सोल्व करोगे सेम यही प्रोसीजर है, कोई वजह नहीं, इस पर फोर्स निकाला तो इस पर फोर्स निकाला, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है बेटा, ऐसे ही आपके पास चार्जेस गिवन होंगे, तो कूलम्स लॉ का यूज करके, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का यूज करके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, खुद ट्राई करना इसको बेटा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है, ट्राई करना घर पर, ना हो तो नीचे कमेंट पे डाल देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल देना कि सॉल्यूशन डालो, तो सॉल्यूशन में डाल दूंगा, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस वाले केस में यहाँ ट्राइंगल ना लेके हमने स्क्वेयर ले लिया, एक आपके पास स्क्वायर है, ओके, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर स्क्वायर की साइड कितनी है, ए ए ए और ए, ठीक है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर चार्ज के सेम, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस, सभी कॉर्नर्स पर चार्ज सेम रखे, आपको किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, देखो सेम है, पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी है नंबर 1, ठीक है, उसके बाद क्या यूज करना है, ट्राइंगल लॉ फैक्टर एडिशन यूज करना है, अब कैसे करोगे, आपको ये घर पर ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना इसको भी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, देखो बेटा आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर्स पर सेम फोर्स लगाया, अभी पीछे वाला न्यूमेरिकल जो किया था सेम ऐसा ही, इसके तीनों कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस रखे हैं, आपको ये शो करना है
किसके सेंट्रोइड पर, कहां पर, इसके सेंट्रोइड पर जो नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ठीक है, ये आपको शो करना है। कैसे शो करोगे उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। आपसे दोनों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सोल्वना हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको परमानेंटली सॉल्यूशन दे दूंगा। कैसे सोल्व करना है, देखो ये तीनों चार्जेस है, इन तीनों चार्जेस पर सेंट्रोइड पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो दिखानी है। आपको सिंपल करना क्या है, पहले इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, तीनों की वजह से आपको नेट इक्वल फोर्स फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर आप यूज करोगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ वेक्टर्स की आप आई जे के टर्म में सोल्व करोगे तो आपसे सोल्व हो जाएगा। अगर सोल्व ना हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, किसी भी एक चार्जेस पर नेट फोर्स निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको सेंट्रोइड के बारे में बताना, जी सेंट्रोइड क्या होता है। सबसे पहले फाइंड आउट करो सेंट्रोइड क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। सेंट्रोइड पता होने के बाद आप इस पर ट्राइंगल लॉ फैक्टर एडिशन लगाओगे, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक तरीका और है। इलेवेंथ की बुक में वेक्टर्स पढ़े होंगे आपने, इलेवेंथ की बुक में वेक्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें एक थ्योरम होगी जिस थ्योरम का नाम है लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम अगर आपने डिस्कस की हुई है तो लैमीज थ्योरम से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो पहले आप शॉर्टकट अप्लाई मत करना, लैमीज थ्योरम अप्लाई मत करना, पहले आप उसको वेक्टर्स की फॉर्म में सोल्व करो। वेक्टर की फॉर्म में सोल्व करने के बाद आप लैमीज थ्योरम को डिस्कस करना, इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा ये है, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का एक फर्दर पार्ट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम हम डिस्कस करें जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बेसिकली जो आप पढ़ने वाले हो वो कुछ ना कुछ टेंथ क्लास से रिलेट करेगा। आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, डाइपोल क्या होता है, फर्दर आगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.